नमस्कार। आज का अपना टॉपिक रहेगा वेलेजली की सहायक संधि प्रथा। 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड वेलेजली भारत आया। उसका प्रमुख उद्देश्य भारत में अंग्रेजी सर्वोच्चता की स्थापना करना था। इसके लिए वेलेजली ने देसी रियासतों के साथ संधि करके उन्हें अपने अधीन लाने का एक नया तरीका अपनाया, जो सहायक संधि प्रथा के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ों ने अपने रियासतों में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की ओर अधिक ध्यान दिया तथा बाह्य शक्तियों के आक्रमण का भय दिखाकर इन राज्यों का शुभचिंतक होने का दिखावा किया। इन राज्यों को सैनिक सहायता का आश्वासन देकर अपने ऊपर आश्रित कर लिया। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपनी सेना के खर्चे का बोझ इन राज्यों पर डाल दिया, क्योंकि उनके अनुसार ये सेना उनकी सुरक्षा के लिए रखी गई थी। इस तरह की जो संधियां की गई, इसको सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ ये है कि लॉर्ड वेलेजली जब भारत आया, वो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था और उसने भारत के अंदर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए देशी राज्य या जो देशी रियासतें थीं उनके साथ संधियां की। और ये संधियां इस आधार पे की कि जो देशी राज्यों के बीच में आपसी मनमुटाव थे, तो एक देशी राज्य से दूसरे देशी राज्य को सुरक्षा देने के लिए या बाह्य आक्रमण का उनको भय दिखाकर उनकी सुरक्षा करने के लिए सैनिक सहायता देने के रूप में की गई। और सैनिक सहायता के बदले में उनसे धन और उनके राज्य का कुछ क्षेत्र अपने पास रख लिया। इसे इतिहास में सहायक संधि प्रथा के नाम से जाना जाता है, जो लॉर्ड वेलेजली के साथ ही जुड़ा हुआ है। सहायक संधि प्रथा की जो प्रमुख शर्तें थी वो इस प्रकार थी नंबर एक, बड़े राज्यों को अपने यहाँ एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, जिसका पूर्ण नियंत्रण कंपनी के अधिकारियों के हाथ में था। सेना का जो उद्देश्य था वो ये था कि राज्य की सुरक्षा और शांति वो बनाए रखेगी। इस सेना का पूरा खर्चा देशी राज्य के राजा को देना होता था, इसलिए इसके लिए उन्हें अपना क्षेत्र कंपनी को देना होता था, जबकि जो छोटे राज्य थे जिनके पास कम क्षेत्र था उनको नगद धन देना होता था। दूसरी जो शर्त थी वो ये थी, राज्य को किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को सेवा में रखने के लिए कंपनी की अनुमति लेना आवश्यक था, यानी किसी भी अंग्रेज अधिकारी के अलावा अन्य को अगर अपनी सेवा में रखना है तो उसके लिए अंग्रेज कंपनी से उसे अनुमति लेनी पड़ती थी। तीसरा था, भारतीय जो राजाओं की राजधानी थी उसमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा गया, और इस ब्रिटिश रेजिडेंट का यही काम होता था कि वो राजा की जितनी भी गतिविधियाँ होती थी उन सब का ध्यान रखता था और उनके ऊपर नियंत्रण करता था। चौथी शर्त यह थी कि कंपनी ने भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया, लेकिन कंपनी ने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप किए। ये एक नाममात्र की शर्त थी। संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक को यह स्वीकार करना पड़ता था कि उसके हित कंपनी के हित होंगे, और भारतीय राजाओं के जो विदेशी संबंध थे, अन्य राज्यों से जो भी संबंध होते थे वो कंपनी के अधीन थे, यानी कंपनी उनके बीच में मध्यस्थ का रोल अदा करती थी। इन शर्तों के नरेश द्वारा स्वीकार करने पर कंपनी राज्य की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेती। कहने का अर्थ है कि अंग्रेज़ों ने एक सेना देसी रियासतों की राजधानी में छोड़ दी, उसके बदले में कंपनी ने या तो राज्य का भूभाग ले लिया
या उसे नगद धन लेना स्वीकार किया, अपना एक रेजिडेंट राजा के दरबार में छोड़ दिया जो राजा के सभी कार्यों को देखता था, उनके ऊपर नियंत्रण करता था, देशी राज्यों की जो विदेश नीति थी उस पर नियंत्रण कर लिया। यानी कोई भी राजा किसी अन्य राजा के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क बिना अंग्रेजों के कहने पर नहीं कर सकता था। सभी विवादों में अंग्रेजों की पंच की स्थिति हो गई और सभी राज्यों की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हो गई। एक तरह से जो राज्य व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से पंगु बना दिया गया और उस पर नियंत्रण अंग्रेजों ने कर लिया। अब इस सहायक संधि प्रथा को भी टुकड़ों में लागू किया गया, इसका भी एक विकास क्रम था। सबसे पहला जो चरण था उसमें निश्चित राशि के बदले सैनिक सहायता का आश्वासन दिया गया। दूसरे चरण में कंपनी ने भारत में युद्ध किए और उन युद्धों में देशी नरेशों को सैनिक सहायता प्राप्त की। अगला जो चरण है उसमें निश्चित धनराशि के बदले राज्य की सहायता के लिए सेना रखी और लॉर्ड वेलेजली के काल में, जिसमें ये सहायक संधि प्रथा लागू हुई पूर्ण रूप से और लॉर्ड वेलेजली के साथ ही सहायक संधि प्रथा का नाम जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर देशी राज्यों में स्थायी रूप से अंग्रेजी सेना को स्थापित कर दिया गया और इसका वे देशी राज्य द्वारा वहन किया जाता था। इसके बदले में एक निश्चित भूभाग स्थायी रूप से ब्रिटिश अधिकार में रखा जाने लगा। अब सहायक संधि प्रथा से अंग्रेजों को बहुत से लाभ हुए। पहला है, सहायक संधि प्रथा ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार में प्रमुख भूमिका में आ गई। भारतीय राज्य निशस्त्र हो गए क्योंकि अब उन्हें अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। राज्यों ने सेना रखना छोड़ दिया, सेना के विकास की बात छोड़ दी और उसका कारण ये था कि अब जो सुरक्षा की गारंटी थी वो अंग्रेजों ने दे दी थी। देशी रियासतों के वे पर कंपनी को एक विशाल सेना मिल गई जो युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहती थी। कहने को तो वो देशी राज्यों की सुरक्षा के लिए सेना थी, लेकिन असलियत ये थी कि वो कंपनी के इशारों पर अंग्रेजों के आदेशों से युद्ध लड़ती थी और वो कंपनी के राज्य विस्तार का एक साधन थी। भारतीय नरेशों की राजधानी में कंपनी की सेना रखने से कंपनी का जो सामरिक महत्व के स्थान थे उन पे नियंत्रण हो गया। देशी राज्यों के जो सबसे प्रमुख स्थल होता था वो उसकी राजधानी था और राजधानी के अंदर ये सेना रहती थी। इस तरह से जो सामरिक महत्व के स्थान थे वहाँ पर कंपनी के सैनिकों का और कंपनी का नियंत्रण हो गया। अंग्रेज भारतीय राजाओं के बीच मध्यस्थ बन गए और इस तरह से जो विदेशी संबंध थे राजाओं के, देशी रियासतों के आपसी संबंध थे, वो सारे के सारे अंग्रेजों के अधीन हो गए। राज्यों में जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे वो अत्यधिक प्रभावशाली हो गए और उन्होंने राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और इस व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ ये हुआ कि जो यूरोपीय लोग थे जो भारत में प्रभाव स्थापित करना चाहते थे वो सारे के सारे देशी रियासतों की राजधानियों से बाहर हो गए, क्योंकि इस सहायक संधि प्रथा को स्वीकार करने पर ये तय किया गया था कि देशी राज्य या देशी रियासतें किसी भी यूरोपियन को बिना कंपनी की अनुमति के नहीं रख सकेगा। इस कारण से सभी जो फ्रांसीसी या अन्य थे वो बाहर हो गए और इससे फ्रांसीसियों पर नियंत्रण भी अंग्रेजों का हो गया। ये प्रथा देशी रियासतों के लिए घातक सिद्ध हुई, देशी रियासतों को बहुत सी हानियाँ हुई। पहली बात तो ये थी
कि देसी जो रियासतें थीं उन्होंने सेना रखना छोड़ दिया, एक तरह से निशस्त्रीकरण हो गया और बिना सेना के कोई भी राज्य शक्तिशाली नहीं हो सकता। विदेशी संबंधों को कंपनी के अधीन कर दिया। इस तरह से इन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता थी वो पूरी तरह से खो दी। सर टॉमस मुंद्रो ने कहा है, राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी देश को प्रतिष्ठित बनाते हैं को बेचकर सुरक्षा मोल ले ली। कोई भी राज्य तब तक ही राज्य है जब तक उसके पास सेना हो, स्वयं की विदेश नीति हो, और ये दोनों ही चीज़ देसी रियासतों ने अंग्रेज़ों के अधीन करती थी। इस तरह से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय चरित्र दोनों को ही खो दिया था। अंग्रेजी जो रेजिडेंट था उसने राज्य प्रशासन में अत्यधिक हस्तक्षेप किया और इससे देसी शासकों का मनोबल गिर गया। अब उनके पास कोई सेना भी नहीं थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले जितने भी राज्य थे वो शीघ्र ही दिवालिया हो गए, क्योंकि कंपनी ने राज्य के आय का लगभग 1/3 भाग सहायता के रूप में राज्यों से ले लिया, या वो क्षेत्र लिया जो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था, अत्यधिक जो उत्पादक क्षेत्र थे उनको कंपनी ने अपने अधीन कर लिया। तो देसी रियासतों के पास आय के जो साधन थे वो नहीं रहे और ये दिवालिया होते गए। इस व्यवस्था के कारण राजा एवं नवाब का ध्यान प्रशासन व्यवस्था की तरफ से हट गया। अब वो भोग विलासी हो गए और सिर्फ विलासिता पर ध्यान देने लगे, क्योंकि जो सुरक्षा थी और जो प्रशासन था उन दोनों पर अंग्रेज़ों ने नियंत्रण कर लिया था। और इस प्रथा से लगभग पूरे भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके साथ ही जो आम जनता थी वो करों के बोझ से लद गई, क्योंकि अब राजा को अंग्रेज़ों को भी देना पड़ता था और स्वयं के खर्चे के लिए भी उसे धन की आवश्यकता थी, और वो सारा का सारा धन प्रजा के द्वारा दिया जाता था। अतः आम जनता कर से दब गई। सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्य हैदराबाद, सितंबर 1798 में सहायक संधि को स्वीकृत किया और इसने सारे फ्रांसीसियों को अपने बाहर निकाल दिया। इसके बाद में अवध ने 1801 के अंदर सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। 1802 में बेसिन की संधि द्वारा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, और ये सहायक संधि अति महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों की टक्कर में सिर्फ मराठे थे, और मराठों ने जो बाजीराव द्वितीय था उसने सहायक संधि प्रथा स्वीकार कर ली, और एक तरह से पूरा मराठा राज्य अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। उसने अंग्रेज सेना रखना स्वीकार कर लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि द्वितीय मराठा युद्ध हुआ, और उस मराठा युद्ध के अंदर पूरे के पूरे मराठे पराजित होकर अलग अलग संधियाँ कर ली। भोसले ने देवगांव की संधि कर ली, सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि कर ली, होलकर ने राजपुर की संधि कर ली। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, इन सभी राज्यों ने अंग्रेज़ों के साथ संधियां कर ली, और पूरी तरह से भारत के सभी देसी रियासतें अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गई। अंग्रेज़ों ने सहायक संधि प्रथा के लिए वेलेजली की काफ़ी प्रशंसा की, लेकिन कंपनी ने जो इसकी शर्तें थी उसका ईमानदारी से पालन नहीं किया। जो इसकी प्रमुख शर्त थी वो ये थी कि देसी रियासतों के आंतरिक मामलों में अंग्रेज़ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सिर्फ वो सुरक्षा देंगे, लेकिन इन्होंने प्रशासन पे पूरी तरह से नियंत्रण करके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और देसी रियासतों के अस्तित्व को मर्द प्राय बना दिया। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन औपचारिक ही था। ली वार्नर ने इस अंग्रेजी हस्तक्षेप को विवशता का परिणाम बताया है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ये बात कही गई थी कि भारतीय नरेशों को अंग्रेजी सहायता लेने हेतु विवश किया जाता था और उन्हें उनकी राजधानियों में दासता में रखा जाता,
यानी इस प्रथा को स्वीकार करने के लिए भारतीय राज्यों को किसी भी प्रकार से विवश किया जाता था। इसके लिए उन्हें डराया धमकाया जाता था, आक्रमण का भय दिखाया जाता था और अंत में उन्हें इस संधि को स्वीकार करना पड़ता था, जिससे कंपनी का उनके ऊपर नियंत्रण हो जाता था। संधियों द्वारा समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन देकर भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हस्तक्षेप इतना प्रभावशाली होता था कि भारतीय राजाओं के लिए अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के अलावा कोई भी चारा या विकल्प नहीं बचता था। इस तरह से लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रथा द्वारा संपूर्ण भारत पर अंग्रेजी सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। इससे अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ हुआ और देसी रियासतों को अत्यधिक हानि हुई और देसी रियासतें मर्त प्राय होकर अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार कर लिया। धन्यवाद।